वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आरा सर के यूट्यूब चैनल पर। और हम सब लाइव हैं नई क्लास के साथ में। और ये जो क्लास आपकी होगी, ये है आपके पास मिशन 2021 का पार्ट नंबर 36। और इस पार्ट के अंदर हम डील करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल का पार्ट नंबर सेकेंड। और ये दो पार्ट का ही काम है, और आज ये वाला जो चैप्टर है आपका बाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं। कल जैसा जोश आज भी दिखना चाहिए बच्चों के अंदर। ठीक है, फटाफट से आ जाएं सारे के सारे बच्चे, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो जी, अगर किसी बच्चे को बेटा अनअकैडमी के बारे में पता नहीं हो तो उसे बता दूं कि आप अपने गूगल प्ले स्टोर में जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करिए। ऐसा आइकन आपको दिखेगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें। और इंस्टॉल करने के बाद में उसमें सर्च गोल या सेलेक्ट कैटेगरी का ऑप्शन आता है, तो आप ये वाली कैटेगरी उसमें चूज करें। ये कैटेगरी चूज करने के बाद में आपको अगर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना हो, मतलब पैसे देकर अगर आप पढ़ना चाहते हो, तो आप 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, ये सब्सक्रिप्शन के चार्जेस हैं। लेकिन अगर आप ये वाला कोड अप्लाई करते हैं तो इससे आपको 10% ऑफ हो जाएगा। और एक ही कोड का यूज करने से आप फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश और रागा की जो क्लासें हैं, इनको आप क्या कर पाओगे, एक्सप्लोर कर पाओगे। ठीक है, सबकी क्लासें आप एक साथ देख सकते हो। अगर ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, और अगर आप इसको ज्वाइन करते हो तो यहाँ पर हर क्लास का जो पीडीएफ है वहाँ पे आपको अपलोड कर दिया जाता है, और हर क्लास का लिंक यहाँ पे सेंड किया जाता है। व्हाट्सएप के जैसे ही टेलीग्राम होता है, टेलीग्राम को भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और वहाँ पे सर्च करिएगा। सर्च बार पे आता है ऑप्शन टीम स्पेस आर एस सर। इसके अंदर 26,000 के आसपास बच्चे अभी लाइव हैं, है ना, सब्सक्राइब है। 25-26,000 के आसपास बच्चे जुड़े हुए हैं, तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे क्लासेस का पीडीएफ लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो जी, ये हमारी टीम है, टीम आर एस सर, जो आपके लिए तन मन धन से दिन रात खड़ी रहती है। चाहे कोई सा भी दिन हो, दिन रात आपके लिए मेहनत कर रही है और ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रही है जो ऑफलाइन के अंदर शायद ही बच्चों को मिल पाता है। ठीक है, चलो जी, लाखों रुपए देकर भी वो कंटेंट आपको नहीं मिल पाता जो आपको फ्री में मिलता है। ये जिस बच्चे को पैसों की कमी हो, जो गरीब हो, तो उन बच्चों के लिए हम फ्री के अंदर एजुकेशन दे रहे हैं। ये आपके पास टाइमिंग है, देख लीजिएगा कितनी क्लासेज है। सुबह 7:15 बजे से क्लास स्टार्ट करते हैं, 9 AM पर फिर मैथ्स का क्लास, 10:10 पर फिजिक्स का क्लास, जो आज आज कोई काम की वजह से हो नहीं पाया, मैथ्स का कॉन्सेप्ट, इंग्लिश का कॉन्सेप्ट, मैथ की प्रैक्टिस, इंग्लिश की प्रैक्टिस, इतनी सारी क्लासें, 7 क्लासें हैं, 7 क्लासें। ऑफलाइन के अंदर भी नहीं मिल पाता ऐसा शेड्यूल है। पूरी क्लासें, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट वगैरह सब। आरएस अग्रवाल का सॉल्यूशन जस्ट आने वाला है, अब लॉन्च होने वाला है आरएस अग्रवाल का सॉल्यूशन। कंप्लीट रिवीजन जो पहले हो चुका उसका भी मैं रिवीजन करवाऊंगा आपको। तो फटाफट से एक बार जो भी बच्चे आ चुके हैं क्लास में, जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं, एक बार आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट कर देंगे, उसके बाद में 1 घंटे तक पेटी पेक होकर बैठ जाए क्लास में, और कॉन्सेप्ट आपके दिल दिमाग में उतरने वाले हैं। क्योंकि कल की क्लास के अंदर भी बच्चों के यही रेस्पॉन्स थे कि सर ये टॉपिक तो सबसे हार्ड लगता था और इसका भी आपने भूत भगा दिया। आपको जो जो टॉपिक हार्ड लगता हो ना, उस टॉपिक को बोल दो भाई साहब तेरी औकात नहीं है कि तू समझ में नहीं आए, अब आएगा, दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े सब के अंदर उसको स्कैन कर देंगे। ठीक है, चलो जी, एक बार स्पेम कर दो बेटा, माँ बाप के सम्मान के लिए ये मैसेज मैं करवाता हूँ, ताकि आप जब क्लास में बैठो तो डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, सारी चीज़ें आपके दिमाग में हो। आई लव माई पेरेंट्स ही एक ही चीज़ ऐसी है जिसके अंदर सारी चीज़ समाई हुई रहती है। और अगर इनके इमोशंस अपन दिल दिमाग पे ले लेते हैं, अगर इनके इमोशंस अपन दिल दिमाग में ले लेते हैं, तो ये मान के चलो कि दुनिया की सारी ताकतें उसके सामने फेल है। अपनी एक ही ताकत, अपने माँ बाप, ठीक है, जो जिंदगी में दोबारा नहीं मिलने वाले हैं, समझ गए बात को। तो उनके सम्मान के लिए पूरे डिसिप्लिन, डेडिकेशन के साथ में बहुत सारी चीजें मैं लिखूंगा जो आपको नोट करनी होती है, और आप दिल दिमाग से आराम से पढ़िए, है ना, आराम से पढ़िए। ऑनलाइन के अंदर बच्चे यही तो करते हैं, ऑनलाइन के अंदर बच्चे फालतू कमेंटबाजी करने में ध्यान रखते हैं। अब कमेंट नहीं करेगा, एक भी बच्चा कमेंट नहीं करेगा, और केवल आपको वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, उसके बाद में बैठ जाओ पेटी पेक होकर। चलो जी, तो आज की क्लास के अंदर क्या हम डील करने वाले हैं, सबसे पहले मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो वो बता दूं कि कल की क्लास के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया। कि कल की क्लास के अंदर सबसे पहले तो सर हमने पढ़ा था साइने रूल, पढ़ा था एक तो हमने पढ़ा था साइने रूल, उसके बाद में जो दूसरा जो हमने पढ़ा था सर, वो पढ़ा था हमने कोसाइन रूल पढ़ा था, और उसके बाद में सर हमने जो पढ़ा वो था सर टेंजेंट, इसके बाद में था आपके पास प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो प्रोजेक्शन फॉर्मूला ये अपन ने डिस्कस किया था, प्रोजेक्शन फॉर्मूला। उसके बाद में हमने क्या किया था, उसके अंदर पढ़ा था नेपियर, और नेपियर या टेंजेंट रूल,
टेंजेंट रूल पढ़ा था, टेंजेंट रूल पढ़ा था, इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें नहीं बची है, वरना आज खत्म हो जाएगा। टेंजेंट रूल या नेपियर एनालॉजी, टेंजेंट रूल या नेपियर एनालॉजी है ना, चलो जी, टेंजेंट रूल या नेपियर एनालॉजी बात एक ही है। उसके बाद में आज की क्लास के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो होंगे अपने पास, सबसे पहले एक तो होगा आपके पास एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल कि ट्राइंगल का एरिया जो अपन कैलकुलेट करें वो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा उसको समझेंगे। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे हाफ एंगल फॉर्मूले, क्या हाफ एंगल फॉर्मूले, और हाफ एंगल फॉर्मूलों के बाद में जो हम चर्चा करेंगे इस क्लास के अंदर वो चर्चा होगी आपके पास सर्कम रेडियस और इन रेडियस की, सर्कम रेडियस और इन रेडियस के बारे में हम चर्चा करेंगे। इन रेडियस, इन रेडियस का मतलब अंतःवृत्त की त्रिज्या और बाह्य वृत्त की त्रिज्या के बारे में। तो कितनी चीज़ें पढ़ चुके हैं अपन, 1, 2, 3, 4, ये चार चीज़ें पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब अपने को ये तीन चीज़ें पढ़नी है, इनको समझना है, इन्हीं के बेस पे जो क्वेश्चन है वो हम करते जाएंगे, ठीक है। चलो जी, क्लास को शेयर करो यार, फटाफट से क्लास को शेयर करो ताकि आपके साथ में आपकी गैंग के और भी योद्धा क्लास के अंदर आए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो, क्योंकि मेरी क्लास के अंदर स्टार्टिंग के अंदर ही ये मान लो कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो जाते हैं। चलो जी, हाँ भाई, स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास जो टॉपिक नंबर 5 है वो है आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो अपन एरिया कैलकुलेट करेंगे ट्राइंगल का, ट्राइंगल का एरिया आपके पास क्या होगा, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आपके पास क्या होगा, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि सर त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है तो वो तो हम इस तरीके से निकालते हैं, एरिया, एरिया को जो मैं डिनोट करूंगा वो डेल से डिनोट होगा और वो होगा आपके पास क्या, 1/2 × बेस × हाइट, 1/2 × बेस × हाइट। तो ये तो सर आपके पास क्या होगा, एरिया होगा, 1/2 × बेस × हाइट, ये आपके पास क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता है। जब आपको बेस मतलब आधार और अगर ऊंचाई अगर दे रखी हो, आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 × आधार × ऊंचाई, ये आपके पास क्या होता है, एरिया। अगर मान लो कि कई बार अपने को क्या होता है कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे दी जाती है, कई बार त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई दे दी जाती है, और उसके लिए अपन फॉर्मूला लगाते हैं हीरोन फॉर्मूला, कौन सा हीरोन फॉर्मूला, मिथुन वाला फॉर्मूला, मिथुन हीरो है ना, ये है सर मिथुन का फॉर्मूला। क्या बोलता है, जब आपको तीनों साइड्स दे रखी हो और कुछ भी नहीं दे रखा हो, त्रिभुज की तीन भुजाएं अगर आपको दे रखी हो, तो इस केस में जो अपन ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे वो होगा आपके पास s × s − a, s − b और s − c, और इस पूरे का क्या करेंगे, स्क्वायर रूट। ये आपके पास हीरोन फॉर्मूला होता है, हीरो का फॉर्मूला। अब आप कहोगे सर इसके अंदर s क्या है, abc क्या है, बेटा कोई भी ट्राइंगल जो आपके पास बनता है, ये ट्राइंगल आपके पास जब बना, ये कैपिटल A, ये कैपिटल B, ये कैपिटल C, ये तो होते हैं कैपिटल में तो लिखे जाते हैं एंगल, और A के सामने की जो साइड है स्मॉल के अंदर ये है आपके पास भुजाओं की लंबाई। और सर ये जो s आपके पास होता है वो होता है a + b + c/2, मतलब परिमाप का आधा, अर्ध परिमाप जिसको बोल दिया जाता है, अर्ध परिमाप, ये होता है s। तो s की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे अपन पुट कर देंगे, तो आपके पास हीरोन फॉर्मूले से, हीरोन फॉर्मूले से आपके पास क्या आ जाएगा, हीरोन फॉर्मूले से ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। आ गई बात समझ में, ठीक है। चलो जी, अब इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। एक इसमें फॉर्मूला और बनता है वो भी जरा समझना, एक फॉर्मूला इसका और बनता है वो किस तरीके से बनेगा वो समझना कि सर ये ट्राइंगल है आपके पास, ये ए है, ये बी है और ये आपके पास सी है। मैंने क्या कर दिया, इस पॉइंट ए से इस सामने वाली सी पर, सामने वाली जो साइड है इस पर एक डी परपेंडिकुलर डाल दिया, लंब डाल दिया। इसका मतलब इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, इस ट्राइंगल का एरिया होगा हाफ इंटू बेस, क्या है, बेस है आपके पास बीसी, और आपके पास हाइट क्या है, ये वाली क्या है सर, एडी, बीसी इंटू एडी, और इंटू 1/2 अगर अपन कर देंगे तो ये आपके पास इस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। इस ए के सामने की जो साइड है वो क्या है, स्मॉल ए, बी के सामने की साइड है स्मॉल बी, सी के सामने की साइड है स्मॉल सी। तो सर बीसी के बारे में तो पता चल गया, बीसी के बराबर क्या है आपके पास, ए है, बीसी के बराबर क्या है, ए। तो यहां पे मैं लिख दूंगा 1/2 × a, ऐसा। अब सर एडी का पता नहीं है, एडी का पता नहीं, तो एडी के बारे में जरा सोचिए। अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लेता हूं, अगर मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसमें मैंने फॉर्मूला लगाया साइन सी का, इस ट्राइंगल में मैं फॉर्मूला लगाता हूं साइन सी का, तो क्या होगा कि सर वो होगा आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटा कर्ण, लंब कितना सर, एडी, और कर्ण कितना सर, बी।
इस ट्राइंगल में फॉर्मूला लगाया मैंने साइन थीटा का, साइन सी का। सर इसका मतलब आपके पास ए डी जो आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा बी साइन सी आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अगर अपन यहाँ पे ए डी की वैल्यू भी अगर रखेंगे तो एरिया जो आपके पास आएगा वो क्या आएगा, आपके पास 1/2 ए बी साइन सी आ गया। मतलब समझ गए क्या, क्या है ये आपके पास क्या हो गया, ट्राइंगल का एरिया 1/2 ए बी साइन सी। सर ये तो हमने क्या लिया है कि इसको बेस माना है, इसको बेस माना है तब तो आपके पास ये आ गया। मान लो कि बेस अगर मैं इसको मानता, बेस अगर मैं बी को मानता, तब आपके पास ट्राइंगल का जो एरिया होता वो क्या होता, आपके पास 1/2। यहाँ पे जो एंगल आपके पास आता है वो इंक्लूडेड एंगल आता है, 1/2 इन दोनों भुजाएं का मल्टीप्लाई ये वाला एंगल। अगर आप एंगल ये लेते हो तो इन दोनों साइड्स का प्रोडक्ट, अगर आप एंगल ये लेते हो तो इन दोनों साइड का प्रोडक्ट, बीच का एंगल और दोनों साइड का मल्टीप्लाई बाय टू। तो आप देखो कि अगर मैंने एंगल सी को लिया है तो ए और बी आ गया, अगर मैं एंगल ए को लेऊंगा तो क्या आ जाएगा, बी और सी आ जाएगा, बी सी इंटू साइन ए आ जाएगा। मान लो कि मैंने एंगल बी को लिया, अगर मैंने एंगल बी को लिया तब क्या आता है, आपके पास एंगल बी को लिया तो इसको बनाने वाली साइड्स कौन सी है, ए है और सी है। इसका मतलब क्या आ जाएगा, 1/2 ए सी साइन बी आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। कि सर ये आपके पास हो गए तीन फॉर्मूले, और ये आपके पास फॉर्मूले इंपॉर्टेंट चीज है डेल के बराबर, ये समझ में आना चाहिए आपको कि 1/2 इंटू बीच का एंगल और उसको बनाने वाली दो साइड्स आपके पास अगर हो तो उससे भी सर हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, उससे भी हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया, इतना समझ में आया क्या, एरिया के कितने फॉर्मूले हैं सर, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, दूसरा फॉर्मूला सर हीरोन फॉर्मूला, और तीसरा फॉर्मूला ये तो हम जिंदगी में नहीं भूल सकते। कैसे सर, एक बार फिर से याद करो बेटा, फिर से याद करते हैं, एक बार फिर से याद दिलाता हूं मैं आपको। अगर ट्राइंगल अगर आपके पास ऐसा हो, अगर ये एंगल ए हो, ये एंगल बी हो और ये एंगल सी हो, ए के सामने की साइड स्मॉल ए, बी के सामने की स्मॉल बी, सी के सामने की स्मॉल सी, अगर आप एंगल ये लेते हो तो भुजाएं कौन सी लेनी पड़ेगी जो इस एंगल को बनाती है, क्या सर कि 1/2 इंटू ए इंटू सी और बीच का एंगल कौन सा, साइन बी, ऐसा ले लेंगे। कि सर अगर ये वाला मैंने एंगल लिया तो साइड्स कौन सी लेनी पड़ेगी, बी और ए, तो इसका मतलब 1/2 इंटू ए इंटू बी इंटू क्या आ जाएगा, साइन सी। अगर सर एंगल में ये लेता हूं तो साइड्स आपको लेनी पड़ेगी बी और सी, तो 1/2 बी सी साइन ए आपके पास आ जाएगा। बेटा पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, अभी केवल कॉन्सेंट्रेट करो, फोकस करो इस चीज पर, यहाँ पे जो मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं ना इस पे फोकस करिए। आ गया बेटा समझ में, फटाफट से एग्री कर दो भाई, एक बार एग्री कर दो कि सर ये हमारे बिल्कुल दिमाग में बैठ गया कि आपने हमारे को बताए एरिया कैलकुलेट करने के फॉर्मूले, बताए कितने, तीन फॉर्मूले, और तीन फॉर्मूले हमारे दिमाग में बैठ गए हैं। अच्छा, हाँ जी बोलो बोलो, आया कि नहीं आया, समझ में आ गया क्या, इतना आ गया। हाँ दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े सब में बैठ जाना चाहिए, ठीक है। और कभी बेटा गलती नहीं होनी चाहिए इस एरिया के फॉर्मूले में। अब इस एरिया के फॉर्मूले से कुछ मतलब छेड़खानी कर देते हैं ना किसी के साथ में, हाँ तो इसके साथ में थोड़ी सी छेड़खानी कर दी जाए तो क्या इसका अंजाम होगा, अंजाम बहुत बुरा होगा, उससे शर्म दर्द को तीन फॉर्मूले और याद हो जाएंगे। अगर अंजाम बुरा हुआ तो हमारे को तीन फॉर्मूले और याद करवाएंगे हमारे सर, वो कैसे फॉर्मूले वो जरा फिर से समझना। एक बार फिर से मैं आपको एरिया की याद दिलाता हूँ, एरिया की याद दिलाता हूँ, इसी से फॉर्मूले बनाऊंगा। ये आपके पास क्या है, ए बी सी है, ये स्मॉल ए, ये स्मॉल बी और ये स्मॉल सी। तो मैंने जो एरिया आपके पास लिखा था, एरिया जो आपके पास लिखा था क्या था, वो 1/2 ए बी साइन सी था, क्या था, 1/2 ए बी साइन सी। अगर यहां से मुझे निकालना हो साइन सी का वैल्यू निकालना हो, साइन सी का वैल्यू निकालना हो तो निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं बच्चा। कि सर साइन सी का जो वैल्यू आपके पास होगा वो होगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब 2 इंटू डेल अपॉन क्या होगा, ए बी होगा, क्या होगा, 2 इंटू डेल अपॉन ए बी होगा। सर ये डेल क्या है, ये है सर एरिया, तो सर इंटू इंटू आपके पास एरिया अपॉन क्या होगा, ए बी। बेटा आगे लिखूंगा मैं इसको, काम में लूंगा आगे, 2 इंटू एरिया अपॉन ए बी। कि सर और हो सकता है क्या, आप देखो यहाँ पर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे है ए बी, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे, मतलब जो यहाँ पे है वो यहाँ पे नहीं आएगा, उसके सामने की भुजा नहीं आएगी। अगर मैंने साइन बी लिखा तो सर इसका मतलब 2 इंटू एरिया अपॉन क्या आ जाएगा, ए सी। अगर सर मैंने लिखा यहाँ पे ए लिखा तो इसका मतलब 2 इंटू एरिया अपॉन क्या आ जाएगा आपके पास, बी सी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया।
अरे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। बोलो आया क्या समझ में? पीडीएफ मिल जाएगी, आप फालतू कमेंट ना करो। मैंने कहा स्टार्टिंग में आपने कमेंट कर दिया आई लव माय पेरेंट्स, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन। आप बिल्कुल पेटी पेक होकर बैठना पड़ता है क्लास में। अगर कोई समझ में नहीं आए तब की बात अलग है। पीडीएफ आपको इस चैनल पर मिलेगा और मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ रहता है और हर स्लाइड पर लिखा हुआ रहता है। हाँ, क्या पता तुम मेरी क्लास में आने के बाद में मेरी शक्ल ही देखते हो क्या? यहाँ वाली चीज आपको दिखाई नहीं देती, मतलब इतने कॉन्सेंट्रेट होके बैठते हैं बच्चे हैं? अच्छा पीडीएफ में दे दूंगा भाई साहब, आज हिसाब चुकता कर दूंगा आपका। जो भी पीडीएफ रही हुई है आपकी, जो भी उधार मैंने ले रखी है ना, वो पीडीएफ सारी दे दूंगा आपकी, ठीक है ना? हाँ, तीन पीडीएफ मतलब ये वाला, इससे पहले दो पीडीएफ और बाकी आज निपटारा कर दूंगा आपका। अब तो सही है, चलो जा। तो ये हुआ आपके पास एरिया के फॉर्मूले, एरिया का फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है। चलो इसके बेस पे हम एक नमूना देखते हैं और नमूने से हम क्वेश्चन करेंगे, है ना? नमूने से क्वेश्चन करेंगे। अगर सर आपको एक ट्राइंगल ऐसा दे रखा है, एक ट्राइंगल के अंदर एक भुजा की लंबाई 3 है, एक भुजा की लंबाई 4 है और एक भुजा की लंबाई अगर 5 है, तो बताओ फटाफट से। मेरा एक एक स्टूडेंट कमेंट करके बता देगा कि सर इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। अगर भुजा की लंबाई 3 4 अगर 5 है, 3 4 5 अगर हो, तो बताओ उसका एरिया क्या होगा। एक ट्राइंगल की जो साइड्स आपके पास है वो है 3 4 और 5, तो बताओ मेरे को एरिया क्या होगा, फटाफट से बता दो। दूसरे नमूने की अगर मैं बात करता हूं कि एक त्रिभुज के अंदर एक ट्राइंगल में ए बराबर आपके पास है 3, ए बराबर है 3 सेंटीमीटर, बी बराबर है आपके पास 15 सेंटीमीटर, ए बराबर है 3 सेंटीमीटर, बी बराबर है 15 सेंटीमीटर, और साइन सी के बराबर आपको क्या दे रखा है? चलो आपको ये दे रखा है सी जो एंगल है वो है 60 डिग्री, सी जो एंगल है वो है आपका 60 डिग्री, सी जो एंगल है वो है 60 डिग्री। देन फाइंड आउट द एरिया, एरिया फाइंड आउट करिए कि एरिया क्या होगा। अरे बोलो भाई आया कि नहीं आया? पहला आ गया कि सर ये तो आपने उलझा दिया, सर ये तो आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं सर? अब तो हीरो से ही करेंगे हम, अब तो मिथुन की याद दिला दी, अब तो सर हम उसी से करेंगे। अरे भाई साहब ये 3 4 5 ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है, समकोण त्रिभुज होता है, और इस समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, एक आधार होती है और एक लंब होती है, तो क्यों लगाया हीरो का फॉर्मूला? क्यों दिखाए हमारे को वो सपने वो प्यार? काजल तुम बस मेरी हो। लो जी आ गया आंसर, कितना 6, समझ गए बेटा आ गए। चलो जी दूसरे का आंसर देखिए कि सर इसके अंदर ए दे रखा है और बी दे रखा है, ए दे रखा है और बी दे रखा है, और इसका मतलब जो साइड दे रखी है वो एंगल दिया हुआ नहीं होना चाहिए। ए और बी दे रखा है लेकिन एंगल कौन सा दे रखा है? सी दे रखा है। तो फॉर्मूला क्या होता है सर? फॉर्मूला होता है 1/2 ए बी साइन सी होता है। क्या होता है? ए बी साइन सी होता है, मतलब जो भुजाएं होती है उनके सामने वाला एंगल यहां नहीं आता, बस ये बात है। अगर बी सी होता तो कौन सा बच गया? ए, तो ए यहां पे आ जाता। ये बात समझ में आई होगी आपके। तो क्या आ जाएगा आपके पास? 1/2 × a की वैल्यू कितनी है? 3, b की वैल्यू कितनी है? 15, और साइन सी साइन 60 का मतलब √3/2, इसका मतलब आपके पास √15, 15 √3/4 आपके पास क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाना चाहिए, है ना? चलो जी आ गया आंसर बच्चों के, आ गया। इसकी वैल्यू को मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ √3/2, इसका मतलब सर कितना आया कि सर ये आया आपके पास 45√3, 45√3/4, 45√3/4 क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलो जी है अच्छा आ गए बेटा, समझ में आया? हाँ, नमूना दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, और जब जो सेट हो गया ना वो कहीं नहीं जाएगा। चलो जी, तो सर ये जो बातें हुई हैं आपके सामने वो हुई है आपके पास कौन सी? एरिया वाली बातें। आगे जो हमारे पास फॉर्मूले हैं सर वो है हाफ एंगल फॉर्मूले। एक काम हो गया है एरिया का, उसके बाद में अगला जो टॉपिक आता है वो आता है सर हाफ एंगल फॉर्मूला। जरा समझना, मैं याद करवा दूंगा क्लास में, गारंटी मेरी है दिमाग आप लगाओगे कि सर हाफ एंगल फॉर्मूलों में, हाफ एंगल फॉर्मूलों में क्या करते हैं। हाफ एंगल फॉर्मूले भी डायरेक्ट आपके पास लिखे हुए आएंगे कि साइन ए बाई टू क्या होगा, साइन बी बाई टू क्या होगा, साइन सी बाई टू, कोस सी बाई टू, कोस बी बाई टू, ऐसा।
कि सर साइन का जो फॉर्मूला है ना, साइन का जो फॉर्मूला है इसको सर खुद वाली से नफरत होती है, इसको खुद वाली से क्या होती है, नफरत होती है। जो अपन हाफ एंगल का फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं सर, उसके अंदर साइन वाले को, साइन को उसकी खुद वाली से नफरत होती है। सर ये समझ में नहीं आया, आपने डायलॉग तो सुना हुआ है कि सर ये आपके पास ए बी सी, इनको क्या बोलते हैं, एंगल। जो कैपिटल में लिखे हुए होते हैं सर वो होते हैं एंगल, और स्मॉल में जो लिखे हुए होते हैं सर वो क्या होती है, साइड्स होती है। मैंने कहा ये हस्बैंड वाइफ होते हैं रे, ये हस्बैंड वाइफ होते हैं। तो सर अगर मैं साइन ए बाई टू का फॉर्मूला लिखूंगा तो इसका मतलब हस्बैंड आ गया, हस्बैंड आ गया तो इसकी वाइफ उधर नहीं दिखेगी, इधर ए आ गया ना तो उधर स्मॉल ए नहीं दिखेगा, और जब स्मॉल ए नहीं दिखेगा तो क्या दिखेगा कि सर वो जो बच गई वो दिखेगी, एस माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन बी सी दिखेगी। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ कि सर जो इसका है ना, जो इसकी वाली है वो नहीं दिखेगी इधर। अरे अच्छा आप ये बताओ सर साइन सी बाई टू कितना होगा, कि सर सी के सामने स्मॉल सी आता है वो नहीं दिखेगी, और स्मॉल सी नहीं दिखेगी तो कौन कौन दिखेगी, अरे स्मॉल ए दिखेगी, पड़ोसन दिखेगी, एस माइनस ए, एस माइनस बी अपॉन क्या दिखेगा, ए बी। बोलो समझ में आया कि नहीं, याद हुआ कि नहीं हुआ बच्चों। हाँ जी याद हो गए, हाँ क्या बात है, क्या बात है बेटा, याद हो जानी चाहिए बस अपने को, ये लॉजिक है, लिख लेना यहाँ पे, लिख लेना साइन को खुद वाली से नफरत होती है ना, साइन को खुद वाली से नफरत होती है, तो ए के सामने स्मॉल ए नहीं आएगा। लो जी याद हो गया, याद हो गया बोलो, हाँ याद हो जाना चाहिए, याद हो जाएगा। चलो जी ये तो बात हो गई सर साइन के अंदर हाफ एंगल की। कोस में, अरे कोस में खुद वाली को प्यार होता है ना, कोस के अंदर खुद वाली से क्या होता है, प्यार होता है। इसका मतलब क्या है कि सर वो खुद वाले को सामने रखेगा, खुद वाले को सामने रखेगा, दूसरों को भी देखेगा लेकिन वो तिरछी नजर से, दूसरों को भी देखेगा लेकिन वो तिरछी नजर से देखेगा। कि सर कोस है ना वो बहुत अच्छा आदमी है, और वो बहुत अच्छा आदमी इस वजह से है क्योंकि वो खुद वाली को तो ज्यादा नजर रखता है, और इसकी जो अड़ोसन पड़ोसन है उनको भी देखता है लेकिन तिरछी नजरों से देखता है। ठीक है कि सर कोस आ गया, इसका मतलब इसके साथ में जो आएगा, इसके सामने वाली जो है, इसकी साथ वाली, उसको तो रखेगा ऊपर अपने साथ में, और जो पड़ोसन रहेगी बी और सी उसको देखेगा तिरछी नजर से, नीचे की तरफ देखेगा। कि सर इसके बारे में बताओ, कोस बी बाई टू के बारे में, अरे बी की वाइफ कौन सी है सर, वो है स्मॉल बी, तो एस एस माइनस बी हुआ, लेकिन देखेगा वो किसको, ए और सी को भी देखेगा जो नीचे रहेगी तिरछी नजरें। अगर मान लो कि मैं लिखा हूं आपके पास कोस सी बाई टू, तो सर वो होगा आपके पास एस, खुद वाली को साथ में रखता है और दूसरे जो बच गई उनको तिरछी नजरों से देखता है, ये है सर कोस का इंसान, ये कोस वाला इंसान है, कोस इंसान है। अच्छा हाँ याद हो गया बोलो, अरे दो फॉर्मूले याद हो गए ना, एक ट्राइंगल वाला एरिया का तो डायरेक्ट याद हो गया, वो मैंने ट्राइंगल से याद करवा दिया आपको, ये हाफ एंगल भी याद हो गया, साइन का भी हो गया और कोस का भी हो गया, अब किसका बचा, टेन का। तो टेन का सीधा सा है, अरे साइन में कोस का डिवाइड कर दो। तो अगर आप निकालना चाहो किसका, फिर से बेटा लिखिएगा फॉर्मूला, लिखोगे तब याद होगा कि सर टेन ए बाई टू है तो सर साइन ए बाई टू अपॉन कोस ए बाई टू होगा। सर साइन ए बाई टू क्या, अरे साइन खतरनाक आदमी है, सारा खुद की के साथ में चक्कर नहीं चलता इसका, एस माइनस बी खुद की को देखना ही नहीं चाहता ये, एस माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन बी सी हो गया, और ये बेचारा बिल्कुल अच्छा आदमी है, एस एस माइनस ए अपॉन क्या होगा, ये होगा आपका बी सी, एस एस माइनस ए अपॉन बी सी। ठीक है, इसका मतलब बी सी से बी सी कैंसिल, और इसका क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड। तो देखो आपके पास पहले वाली चीज आ जाएगी, एस माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन एस एस माइनस ए आ जाएगा। बेटा अभी जो हमारी टेक्निकल टीम है उनके घर पर कोई इमरजेंसी काम है तो वो यहाँ पर ऑफिस नहीं आ पा रहे हैं, हो सकता है प्लेलिस्ट अपडेट नहीं करी हो, लेकिन आप यार हमेशा जब क्लास देखते हो तो वो देख लिया करो यार, बार बार मतलब गोछा करने से क्या मिलेगा तुम्हारे को, है भोले भाले इंसानों को तुम परेशान करते हो, गोचा मत किया करो यार। प्लेलिस्ट के अलावा भी आपको वीडियो मिल जाते हैं, सर्च कर लेना कहीं पे, वीडियो ऐसा थोड़ी है कि कोई बाहर निकल गए, चैनल के बाहर निकल गए। ठीक है हाँ चलो जी, तो सर इसके अंदर हम थोड़ा सा लोचा करेंगे। फिर सर टेन ए बाई टू का फॉर्मूला समझ में आ गया हमारे, टेन ए बाई टू का फॉर्मूला हमारे समझ में आ गया कि सर ये भी थोड़ा सा खतरनाक आदमी ही होता है तो ये भी खतरनाक, ये खुद वाली को तो तिरछी नजरों से देखता है और सामने जो दो बच गई उनको साथ में रखता है। जो सामने वाली है ना, जो सामने वाली मतलब खुद की वाली को तो तिरछी नजरों से देखता है,
और जो आस पड़ोस वाली है उनको दोनों को साथ में रखता है। बहुत खतरनाक आदमी है ये, बहुत खतरनाक आदमी है। ठीक है चलो जी, तिरछी नजरों ने जादू कर दिया। चलो भाई कोई बात नहीं, तिरछी नजरों ने जादू कर दिया तो चलो जी, इन्हीं के बेस पे मैं फॉर्मूला आपको और बना के दूंगा। स्क्रीनशॉट इनका लेते रहना है ना, और याद हो जानी चाहिए दिल दिमाग में ये। और जब इनको बार बार लिखोगे, सोते उड़ते नहाते खाते पीते धोते सब टाइम अगर आप इनको सामने रखोगे, हाँ यार फॉर्मूला क्या था, तो बिल्कुल याद हो जाएगा फॉर्मूला, कहीं नहीं जाएगा दिल दिमाग में। चलो जी अब इनके बेस पे एक और फॉर्मूला आपको बना के देता हूँ, जो भी आपके काम में आएगा। कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चंस में कि सर है टेन ए बाई टू, क्या है टेन ए बाई टू है, और सर टेन ए बाई टू, टेन तो बहुत खतरनाक आदमी है, कि सर ये खुद वाली को तो देखता है तिरछी नजरों से, खुद वाली को तो देखता है तिरछी नजरों से, और जो दूसरी वाली होती है पड़ोसन होती है उनको रखता है साथ में, तो एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस एस माइनस ए। ए वाली, ए की वाइफ क्या थी, ए, तो इसको तो तिरछी नजरों से देख रहा है, और जो सामने वाली थी पड़ोसन थी उनको साथ में रख रहा है। तो सर इसको अगर मैं ऐसा कर दूं कि इसको एस माइनस ए से एस एस माइनस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा सर, एस एस माइनस ए से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया यार, इसका उद्धार हो गया भाई। एस एस माइनस ए से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, जरा देखिएगा ऊपर क्या बनता है, और बच्चा एक एक बच्चा कमेंट कर देगा कि ऊपर क्या बना, ये किसका फॉर्मूला बना, क्या आपके जान पहचान वाली है क्या ये, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और नीचे जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, एस एस माइनस ए, बोलो भाई। अरे ऊपर बता दो मुझे ये किसका फॉर्मूला बन गया बेटा, ये किसका फॉर्मूला बन गया, ऊपर किसका फॉर्मूला बन गया, बताओ 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 फटाफट से। मिथुन फॉर्मूला, क्या बात है बेटा, बहुत शानदार। हाँ मिथुन वाला फॉर्मूला बन गया, कौन सा, हीरोन फॉर्मूला, हीरो वाला फॉर्मूला बन गया, कि सर यहाँ पर आपके पास टेन ए बाई टू जो होगा वो किसके बराबर होगा, ये तो फॉर्मूला सर हीरो वाला बन गया, और डेल अपॉन एस एस माइनस ए ऐसा होगा, डेल अपॉन एस एस माइनस ए। तो ध्यान रखिएगा कई बार आपको ऐसा भी पूछ लिया जाता है, एस एस माइनस ए ये फॉर्मूला भी डेराइव पूछ लिया जाता है, ध्यान रखोगे टेन के अंदर, टेन के अंदर अपन ये वाले फॉर्मूले लगाते हैं। ठीक है चलो जी, चलो जी आ गई बात समझ में। अब इन्हीं के बेस पे मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, है ना, क्वेश्चंस कराऊंगा। चलो जी पहले तो मुझे ये बताओ कि ये किसके बराबर होगा, एस माइनस सी एस माइनस ए अपॉन डेल ये किसके बराबर होगा, इसके बारे में जरा चर्चा करते हैं। याद करो फॉर्मूले, मिथुन को याद करो, मिथुन को याद करो, है ना, ये रहा सर, डेल का मतलब क्या है सर, एरिया, और सर जब यहाँ पे हम एरिया, अरे नमूना है बेटा, है ना, इसको नमूना भी बोलते हैं, हाँ देसी लैंग्वेज के अंदर इसको नमूना बोला जाता है, कि सर यहाँ पे डेल की वैल्यू में पुट कर दूँ तो, बिल्कुल कर दो, डेल की वैल्यू पुट कर दूँ तो देखो क्या बनेगा, सर एस माइनस सी है ऊपर और नीचे है सर एस माइनस ए, और नीचे मिथुन है, और मिथुन का फॉर्मूला क्या बनता है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ऐसा है ना, कि सर एस माइनस सी से एक बार तो इसका कैंसिल, और एक बार सर आधा आधा ये कैंसिल, इसका मतलब सर इसके ऊपर स्क्वायर रूट बचेगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा। तो इसका मतलब क्या बना कि सर ऊपर तो एस माइनस सी था और एस माइनस ए बना, और नीचे क्या बना, ये बना सर एस एस माइनस बी बना। अरे भाई साहब ये बात किसकी हो रही है, जब दोनों दोनों हथियार साथ में रखता हो, ये पड़ोसनों को भी देखता है और खुद वाली को भी रखता है, खुद वाली को तिरछी नजरों से, बताओ कौन हूं मैं, तो सर आप हो टेन, इसका मतलब सर टेन बी बाई टू का फॉर्मूला बन गया, बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया, टेन बी बाई टू का फॉर्मूला बन गया, इसका मतलब ये आ गया आपका सी ऑप्शन आ गया, बोलो भाई। अरे आया कि नहीं आया समझ में, अरे भाई साहब ये खुद वाले को तिरछी नजरों से देखता है, टेन थीटा, ये खुद को तिरछी वाली नजरों से देखता है, आप कहाँ दिखा रहे हो, उल्टा कर रहे हो, कोट से कोट बी बाई टू कर रहे हो, गलत बात है भाई, हाँ टेन बी बाई टू आएगा। चलो सर आगे चलता हूँ, मैं आगे चलता हूँ, एक और नमूना सर आपके सामने पेश कर दिया है हमने, एक और नमूना, चलो जी देखो इस नमूने को देखो, कि सर साइन ए बाई टू की वैल्यू बतानी है, साइन ए बाई टू की वैल्यू बतानी है, और ए बाई टू की वैल्यू बताने के लिए क्या होता है सर, ए के अंदर चक्कर क्या होता है, जरा बताइएगा, ए के अंदर चक्कर क्या होता है, कि सर ए तो शैतान आदमी होता है ना, कि ये खुद वाली को साथ में नहीं रखता है कभी भी, और सर कोस कोस बोला आदमी होता है। ठीक है चलो जी बताओ, आपको मौका देता हूँ, साइन ए बाई टू की वैल्यू बताइए,
क्या होगी आपके पास। मैं हिंट दे देता हूँ, फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए कि सर साइन ए बाई टू, कि सर ये हमेशा थोड़ा सा बेकार आदमी, ये खुद वाले को कभी भी साथ में नहीं रखता, खुद वाले को साथ में नहीं रखता, खुद वाले को साथ में नहीं रखता, तो इसकी हालत ऐसी है एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। कि सर एस क्या है, कि सर एस होता है अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप का मतलब ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। रखो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू करोगे तो 16 प्लस का 24 प्लस आपके पास 20 अपॉन आपके पास कितना 2, इसका मतलब 60 हो गया। क्या ये हो गया 60, और 2 का डिवाइड किया तो कितना 30। लो जी भाई साहब एस की वैल्यू आ गई आपके पास। सर 30 में से बी को घटाऊंगा तो 6 बचेगा, 30 में से उसको घटाऊंगा 10 बचेगा, नीचे आपके पास 24 है और क्या है आपके पास, लो जी ये इससे कैंसिल हुआ, ये आपका इससे कैंसिल हुआ, 1/√8 का मतलब हो गया 1/2√2। बोलो आया कि नहीं आया समझ में, 1/2√2 आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गई क्या बात समझ में, बात समझ में आई कि नहीं आई। साइन ए बाई टू का फॉर्मूला है, समझ गए, हाफ एंगल फॉर्मूले हैं, याद होने चाहिए। और जब तक ये फॉर्मूले याद नहीं होंगे, आगे जैसे मान लो कि मेरी प्रैक्टिस क्लास अगर हो ना, तो भाई साहब ये सारे फॉर्मूले आज जो भी लिखा रहा हूँ वो फॉर्मूले आपके पास एक पेज में लिखे हुए होने चाहिए, तभी प्रैक्टिस सेट आप कर पाओगे, और जितनी प्रैक्टिस करोगे फॉर्मूले तभी याद होंगे। ठीक है, चलो जी आगे जवाब दो इसका। अच्छा मैं नहीं बताऊंगा इसका, आप जवाब दोगे क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर बताओ फटाफट से। कॉस सी बाई टू कॉस बी बाई टू, कॉस ई बाई टू कॉस बी बाई टू, बताओ बताओ फटाफट से। फॉर्मूले लिखने हैं, ओनली फॉर्मूले लिखने हैं, अपने आप बन जाते हैं। फॉर्मूले लिखो अपने आप क्वेश्चन बन जाता है, फॉर्मूले लिखो अपने आप क्वेश्चन बन जाता है। कि सर ये तो बहुत ही बढ़िया आदमी है, हैं, खुद वाली को तो साथ रखता है और दूसरी को तिरछी नज़र से देखता है, टेन बदमाश आदमी है, पड़ोसन को तो साथ रखेगा और दूसरी को खुद की को तिरछी नज़र से, है ना। कि सर ये खुद वाली को तो साथ में रखता है। चलो बता देता हूँ फॉर्मूला, कि सर जो कोस ए बाई टू है उसके लिए जो फॉर्मूला है वो होगा सर आपके पास एस एस माइनस ए, एस माइनस ए अपॉन बी सी, एस एस माइनस ए अपॉन बी सी, है ना। चलो जी यहाँ पे अगर a हो तो यहाँ पे स्मॉल a आएगा, यहाँ पे कैपिटल b हो तो यहाँ पे स्मॉल b आएगा, यहाँ पे कैपिटल c हो तो यहाँ पे स्मॉल c आएगा। इसका मतलब आपके पास b इंटू अगर इसका स्क्वायर करोगे तो आपके पास स्क्वायर रूट हट जाएगा और वो क्या आएगा s s माइनस सी एस एस माइनस सी अपॉन ए बी, क्या आएगा s s माइनस सी अपॉन ए बी, प्लस आपके पास c इंटू कोस स्क्वायर बी बाई टू, और कोस स्क्वायर बी बाई टू क्या होगा एस एस माइनस बी अपॉन क्या होगा ए सी होगा, एस एस माइनस बी अपॉन ए सी। बोलो आया कि नहीं आया, कि सर b से b कटा और ये c से c कटा, दोनों के अंदर s और a ये आ गया सर बाहर, s और a आ गया बाहर, तो सर यहाँ पे s माइनस का c प्लस s माइनस b बचा। अब ये s और s क्या हो गया सर 2s, और 2s की वैल्यू हम जानते हैं कि सर 2s की वैल्यू होती है a प्लस बी प्लस सी, और इसमें से c को भी माइनस करो और b को भी माइनस करो, ये इससे गया ये इससे गया a a से गया, क्या बच गया s बच गया। इसका मतलब राइट आंसर कौन सा होगा आपके पास, राइट आंसर होगा आपका s होगा। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया, आ गया क्या समझ में, हाँ सी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है आगे बढ़ता हूँ मैं, आगे बढ़ते हैं, आज इसको बाइंड अप करेंगे अपन। चलो जी ये मैं आगे बताऊंगा, अच्छा ये करवा चुका हूँ मैं, बताओ निम्न में से किसका त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा बताना है आपको। ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल का एरिया के बारे में पूछा है कि सर 1/2 आता है मल्टीप्लाई में, अरे झूठ बोल रहा है तू, तो सर यहाँ पे 1/2 नहीं आया, झूठ बोलता है। अरे कोस आता है क्या फॉर्मूले में, कोस आता ही नहीं है, जब अपन ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं तो कोस कभी नहीं आता है, वो क्या आता है साइन आता है, और वो आता है जो दो साइड्स को घेरता है वो एंगल आता है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही बोला, सी ऑप्शन आपके पास सही। ये तो दिमाग में बैठ गया बेटा, ये तो दिमाग में बैठ गया, ये तो जिंदगी में गलती नहीं होगी एरिया वाली। तो चलो सर आगे वाला क्वेश्चन ये रहा, आगे वाला क्वेश्चन, अरे मैंने डेराइव करवाया था एरिया के अंदर, मैंने डेराइव करवाया था, देखो 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 एरिया भी यूज होगा, एरिया यूज होगा इसके अंदर कि सर साइन ए किसके बराबर है, साइन ए किसके बराबर है। जरा देखो कि ये नमूना कैसा है आपके सामने, कि सर बहुत सिंपल है कि सर जब आपने यहाँ पर साइन ए यूज किया है, इसका मतलब इसका जो एरिया होगा
साइन ए अगर आपने यूज किया है तो इसको घेरने वाली जो भुजाएं हैं वो बी और सी है, तो इसका मतलब एरिया ये होगा सर, डेल बराबर एक बटा दो बी सी साइन ए आएगा। इसका मतलब साइन ए बराबर क्या आएगा बोलो कि सर, वो आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, टू इंटू डेल अपॉन बी सी, टू इंटू डेल अपॉन बी सी, टू इंटू डेल अपॉन बी सी, इसका मतलब सी ऑप्शन आपके पास राइट होगा। बोलो समझ में आया? आ गया, चलो जी, उड़ा दिया आपने तो। चलो सर आगे वाला क्वेश्चन, किसी त्रिभुज की भुजाएं अगर ये हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर किसी ट्राइंगल की साइड्स, अगर किसी ट्राइंगल की साइड्स अगर ये हो तो बताओ उस ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो किसके बराबर होगा। ट्राइंगल का एरिया आपको बताना है वो किसके बराबर होगा। बोलिए फटाफट से, ट्राइंगल का एरिया किसके बराबर होगा। कि सर ये फॉर्मूला अब बहुत ही सिंपल है। बहुत सिंपल कैसे हुआ, जरा थोड़ा सा समझाइए, वो इस तरीके से समझो। अरे नहीं लगेगा मिथुन वाला फॉर्मूला, है ना? हाँ, मिथुन वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि सर आप देखो कि ये तीनों साइडें हैं ना, उनमें क्या रिलेशन है, एक है अंडर रूट टू, एक है अंडर रूट थ्री, एक है अंडर रूट फाइव, और जब आप इनका स्क्वायर करते हो और तो आपके पास ये आता है दो का योग, स्क्वायर का योग अगर तीसरे के बराबर आ जाता है तो सर वो होता है आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज होता है। अरे वही तीन चार पाँच वाला केस है ना, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का एरिया जो होता है सर वो होता है एक बटा दो इंटू बेस इंटू हाइट, एक बटा दो इंटू बेस इंटू हाइट, इसका मतलब सर अंडर रूट छः बटा दो, ये होगा आपके पास राइट आंसर। बोलो आया? चलो जी, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। चलो जी, अब अपन चलते हैं आगे, सर्कम सर्किल की तरफ चलते हैं, तब इसको धीरे धीरे बाइंड अप करने की कोशिश करते हैं। जरा समझने की कोशिश करना, ये जो सर्कम सर्किल है वो क्या बनता है, कैसे बनता है, वो जरा देखते हैं। कि सर कोई भी जो ट्राइंगल होता है ना, कोई भी जो ट्राइंगल होता है, उस ट्राइंगल के अंदर इसके तीनों वर्टेक्स से पास होने वाला जो सर्किल आपके पास होता है, इसके तीनों शीर्षों से गुजरने वाला जो सर्किल आपके पास होता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है सर्कम सर्किल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सर्कम सर्किल बोला जाता है, मतलब बोला जाता है परिवृत्त बोला जाता है। किसी भी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से गुजरने वाला जो वृत्त होता है उसको क्या बोला जाता है, परिवृत्त, है ना, सर्कम सर्किल। और इस सर्कम सर्किल की जो रेडियस होती है वो होती है क्या, कैपिटल आर। सर्कम सर्किल की जो रेडियस होती है वो क्या होती है, कैपिटल आर होती है। कि सर ये बनता कैसे है, इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, ये जो आपके पास इंटीरियर एंगल होते हैं ना, अंतः जो कोण होते हैं, इनका समद्विभाजन करने वाली रेखाएं खींची जाती है, ऐसा ऐसा है ना, इसको समद्विभाजन करने वाली रेखाएं खींची जाती है, और ये जिस पॉइंट पर मिलती है उसको तो क्या बोलते हैं अपन, उसको बोलते हैं अपन बहिस्वृत्त का केंद्र। बहिस्वृत्त का केंद्र जिसको क्या बोला जाता है, बहिस्केंद्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बहिस्केंद्र बोला जाता है। सर्कम सेंटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सर्कम सेंटर, सॉरी परिकेंद्र बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? परिकेंद्र, सर्कम सेंटर बोला जाता है इसको, है ना, ये सर्कम सेंटर। सर इस सर्कम सेंटर के बारे में बताओ, तो ये सर्कम सेंटर जो होता है, इसको अगर मैंने ओ लिखा, इसको ए लिखा, इसको बी लिखा और इसको सी लिखा, तो ये जो तीनों डिस्टेंस होती है वो क्या है, सर्कम रेडियस। और सर्कम रेडियस हमेशा बराबर होती है, इसमें ओ ए बराबर क्या होता है, ओ बी बराबर ओ सी। ये क्या हुआ आपके पास, सर्कम सर्किल हुआ। इतनी गणित तो समझ में आ गई होगी, ठीक है। सर्कम सेंटर, और सर्कम सेंटर की तीनों जो वर्टेक्स होते हैं उससे दूरी सेम होती है। अब मैंने ये फॉर्मूला आपको बता दिया, कब बताया सर, कल मैंने आपको ये कहा था कि साइन ए फॉर्मूला बोला था, साइन ए फॉर्मूला, साइन ए फॉर्मूला क्या बोला कर, मैंने आपको ऐसा बोला कि सर ए अपॉन साइन ए, ए अपॉन साइन ए और बी अपॉन साइन बी बराबर सी अपॉन साइन सी जो होता है वो किसके बराबर होता है, टू आर के बराबर। बोलो, कल लिखाया था मैंने ये फॉर्मूला, लिखाया था जब साइन ए फॉर्मूला लिखाया था, मैंने कहा अभी तो तुम इतना यूज कर लो और जब सर्कम सर्किल पढ़ाऊंगा तभी आएगा। तो सर क्या आ गया, टू आर आ गया। कैपिटल आर ध्यान रखना, कैपिटल आर सर्कम रेडियस होता है, और स्मॉल आर जो होता है वो होता है इन रेडियस होता है, अंदर जो सर्किल बनता है उसकी रेडियस होती है। तो सर इनमें कनेक्शन क्या होगा, जरा समझना कि कनेक्शन निकालते हैं अपन इनसे। आप ये जो तीनों संख्याएं हैं वो इसके पीछे पड़ जाएगी। इसका मतलब सर कि a अपॉन साइन a जो है वो किसके बराबर हुआ सर, 2r के बराबर हुआ। ठीक है, यहाँ से एक तो आप r निकाल सकते हो, r बराबर क्या आया, a अपॉन ये आया,
ए अपॉन टू साइन ए, या फिर कैसे निकाल सकते हो बी अपॉन टू साइन बी निकाल सकते हो, या आप निकाल सकते हो सी अपॉन टू साइन सी निकाल सकते हो। सर सरकम रेडियस जो आई वो एक तो आपके पास इस प्रकार से आ गई, एक तो आपके पास इस प्रकार से आ गई, ठीक है। टू का डिवाइड किया, ये क्या आ जाता है सरकम रेडियस आ जाता है। एक और चक्कर होता है इसका, वो कैसे निकालें वो जरा समझना कि एक बार आप इस गणित को समझो। R अपॉन ए अपॉन R बराबर ए अपॉन टू साइन ए जो लिखा हुआ है ना आपके पास, इसको जरा देखिएगा कि सर लिखा हुआ है आपके पास R बराबर ए अपॉन टू साइन ए लिखा हुआ है, जरा इसके बारे में सोचो आप क्या है साइन ए। कि सर साइन ए का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि साइन ए किस में आता है, कि सर ये आता है डेल के अंदर, कैसे कि 1/2 इंटू बी सी इंटू साइन ए, क्या आता है 1/2 इंटू बी सी इंटू साइन ए, ये ट्राइंगल का एरिया होता है। यहां से निकालो भाई साइन ए, यहां से निकालोगे साइन ए तो क्या आएगा बोलो आपके पास सर 2 इंटू डेल अपॉन बी सी आया, क्या आया 2 इंटू डेल अपॉन बी सी। पहले मैंने याद कहा याद करवाया था आपको साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है साइन अच्छा अच्छा बिल्कुल बना लेना, ये पीडीएफ मिल जाएगा आपको है ना, फिर बना लेना। साइन ए बराबर क्या होता है 2 इंटू डेल अपॉन बी सी, अगर मैं साइन ए की वैल्यू यहां पे टिका दूं तो क्या बनेगा कि सर आर बराबर ए अपॉन टू इंटू आपके पास 2 इंटू डेल और ये जो बी सी नीचे था वो चला जाएगा ऊपर, तो लॉजिक बन गया फॉर्मूला। आर बराबर क्या हो गया ए बी सी अपॉन 4 इंटू डेल हो गया, देखो आर बराबर हो गया आपके पास ए बी सी अपॉन 4 इंटू डेल, ये फॉर्मूला मैंने साइन ए फॉर्मूले में बताया था, ये फॉर्मूला मैंने डेराइव करना सिखा दिया कैसे कि सर साइन ए जो आपके पास किस में आता है ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करने में आता है, वो साइन ए की वैल्यू यहां पे रखो तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा और ये फॉर्मूला इसी का डेराइव्ड है, समझ गए बात को उल्टा किया है। तो ये दो फॉर्मूले मोस्टली आपको याद होना चाहिए, ये वाला जो फॉर्मूला है वो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। अभी भी काफी बच्चे भूल रहे हैं कि सर डेल क्या है, अरे भाई साहब डेल जो है ना वो क्या है उस ट्राइंगल का एरिया, और वो एरिया कितने फॉर्मूलों से निकालते हैं कि सर वो एरिया तो निकालते हैं मिथुन वाले फॉर्मूले से, एक तो निकालते हैं मिथुन वाले फॉर्मूले से, दूसरा किससे निकालते हैं सर ट्राइंगल से 1/2 ए बी साइन सी, उस तरीके से जो निकालते हैं वो होते हैं एरिया का फॉर्मूला। बोलो समझ में आया, इतना समझ में आया कि नहीं आया, अरे समझ में आ गया क्या बेटा, फटाफट से एक बार मुझे क्लियर तो कर दिया करो कि हाँ सर समझ में आ गया, हाँ तो मैं आगे बढ़ूँ फिर। सरकम रेडियस, ठीक है, कैपिटल आर क्या होता है, कैपिटल आर होती है बेटा परित्रिज्या, क्या होती है परित्रिज्या, परी और परी की जो त्रिज्या है उसको बोलते हैं परित्रिज्या, परित्रिज्या है ना, ये जो सर्किल बनता है ना बाहर उसकी जो रेडियस होती है यहां से लेकर यहां तक की, इसको क्या बोला जाता है कैपिटल आर से नाम दिया जाता है, पंडितों ने इसका नाम निकाला था कैपिटल आर। क्लियर हो गया, समझ गए, चलो जी ये फॉर्मूले दो ही याद रखने, ये मैंने पहले बता दिया था याद होना चाहिए आपको, और ये फॉर्मूला मैंने बनाना सिखा दिया है आपको कि सर इस फॉर्मूले के अंदर अगर मैं साइन ए की वैल्यू रख लूंगा है ना, कि सर इस फॉर्मूले में साइन ए की वैल्यू रख लूंगी मैं तो बन जाएगा ये वाला फॉर्मूला। अरे रख लोगी ना, हाँ रख लेंगी भाई, रख लेगी भाई बच्चियां रख लेगी, चलो चलो बहुत बढ़िया है। सरकम सर्किल के बारे में बात हो गई, चलो इस सरकम सर्किल का थोड़ा सा अपन ऑपरेशन कर देते हैं और एक नमूना आपके सामने पेश करते हैं सरकम सर्किल का। चलो जरा देखिएगा, जरा नजरें गाड़ दो भाई कि डायमीटर ऑफ सरकम सर्किल, डायमीटर का मतलब व्यास निकालना है ना, डायमीटर का मतलब क्या निकालना है व्यास आपको निकालना है, और किसका निकालना है सरकम सर्किल मतलब परिवृत्त, परिवृत्त का आपको व्यास बताना है ऑफ ए ट्राइंगल विथ साइड्स 5, 6 and 7 सेंटीमीटर, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं आपके पास 5, 6 and 7 है, तो इसको बाउंड करने वाला जो सर्किल है उसकी रेडियस पहले निकालो और रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो डायमीटर आ जाएगा। डी बराबर होगा 2R, और R के बारे में हमारे को जब एंगल कोई दिया हुआ नहीं होता है तो हम तो सर भगवान भरोसे हैं, R बराबर सर हमने फॉर्मूला सीखा है क्या कि सर ए बी सी अपॉन 4 इंटू डेल होता है, इससे निकाल लेंगे हम तो R बराबर क्या ए बी सी अपॉन 4 इंटू डेल, इसका मतलब बच्चा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ए बी सी अपॉन 2 इंटू डेल, ये कैलकुलेशन करके फटाफट से आंसर कमेंट कर दो क्या आएगा, डेल बताओ मुझे क्या आएगा, बोलो बोलो फटाफट से, अरे बताएंगे 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 सब बताएंगे, चलो बताओ बताओ फटाफट से, अरे भाई साहब डेल बताओ, डेल का मतलब क्या है ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल का एरिया क्या होगा आपके पास, बनाओ बनाओ फटाफट से,
कि सर ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे मिथुन के फॉर्मूले से, और मिथुन ने ये कहा था कि एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी जब मेरे साथ में कोई बुझाए एंगल ही एंगल अगर नहीं हो तो बुझाए अगर दे रखी हो तो मैं निकाल सकता हूँ एरिया उस फॉर्मूले से। तो सर इन तीनों का योग करेंगे 6 7 13 9 आ जाएगा, और ये आपके पास डेल के बराबर कितना आ जाएगा, एस क्या होता है फिर लिख देता हूँ, एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू होता है, ठीक है। तो S बराबर आएगा 9 इंटू आपके पास कितना आएगा 4 इंटू आपके पास 3 और इंटू आपके पास 2। जरा देखिए ये हुआ आपके पास S, ठीक है। तो ये कितना आएगा बताओ, 6√6 आएगा, 6√6। ये तो आया सर एरिया। A की वैल्यू सर कितनी 5, B की वैल्यू 6, C की वैल्यू 7 अपॉन 2 इंटू 6√6, ये आपके पास आ जाएगा। 6 से 6 कैंसिल हुआ, इसका मतलब आपके पास 35/2 √6, 35/2 √6। लो जी, अरे मिला कि नहीं मिला साला आंसर निकाला और आंसर ही गायब हो गया कि सर आंसर निकाला इतना बड़ा सोल्व किया फिर साला आंसर ही गायब हो गया, सरासर नाइंसाफी हो गई भाई साहब अपने साथ में, है ना। चलो जी 6√6 देख लो बेटा, 35/2 √6, ये आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर आना चाहिए जो ऑप्शन ए नहीं है, ठीक है। चलो जी 35/2 √6 याद रखना। चलो सर इसके बारे में बता दो, अब तो इसके बारे में बताओ, ये वाला आराम से बन जाएगा कि सर इसमें भी यही फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो बिल्कुल लगा दो कि सर ए बी सी तीनों भुजाएं दे रखी है, और जब तीनों भुजाएं दे रखी होती है तो आर का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, और वो क्या होता है, वो होता है आपके पास। चलो बेटा एक चीज तो ये ध्यान दे लो अभी, तो इसमें तो कैलकुलेट कर लो, ए बी सी अपॉन 4 into del, है ना, ए बी सी अपॉन 4 into del। डेल निकालना सबसे बड़ी महाभारत है, डेल निकालना, डेल का मतलब होता है मिथुन का फॉर्मूला, हीरो वाला फॉर्मूला, और हीरो फॉर्मूला होता है एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, और ये जो एस होता है सर, ये जो एस होता है वो होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। अब सारी मैंने जानकारी दे दी आपको, एड्रेस पता सब कुछ भेज दिया बेटा, है ना, अब भेज दो इसके घर पे लेटर। चलो बोलो 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 फटाफट से। अरे मेरे भाई रुक जा, इन सर्किल वाले रुक जा, तो रुक जा, अभी अभी इन सर्किल भी बताऊंगा, इन सर्किल भी बताऊंगा, अभी तो एक बार इस पे विचार करिए आप, है ना, इस पे विचार करिए, बताओ मुझे क्या आएगा, बोलो 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 राइट एंगल ट्राइंगल है, अच्छा राइट एंगल ट्राइंगल के लिए प्रॉपर्टी लिख लो फिर। राइट एंगल ट्राइंगल में कोई भी राइट एंगल अगर ट्राइंगल दिख जाए आपको, राइट एंगल ट्राइंगल अगर दिख जाए तो बेटा उसके लिए मैं आपको बात बता देता हूं कि सबसे बड़ी भुजा का आधा, सबसे बड़ी भुजा, जो सबसे बड़ी भुजा मतलब हाइपोटेनियस हो जाता है राइट एंगल में, सबसे बड़ी भुजा का जो आधा होता है वो ही आपके पास आर के बराबर होगा। सबसे बड़ी भुजा का जो आधा है वो आपके पास क्या हो जाएगा, ये कहाँ से दिखा भाई आपको, ये दिख रहा है क्या आपको, 196 प्लस हो ही नहीं सकता, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है भाई साहब, वो एक हटाने से बनता है, 3 4 5 में बनता है राइट एंगल, ठीक है। चलो जी, हाँ जी सी ऑप्शन आया, बच्चों ने आंसर दिया है, अरुण पॉल ने आंसर दिया है कि सर सी ऑप्शन आएगा। एस की वैल्यू 13 और 14 कितने हो गए 27, 27 और 5 32 42 मतलब 21 आएगा, और स्क्वायर रूट 21 इंटू आपके पास कितना, ये आएगा सर आपके पास 8 इंटू आपके पास 7 और इंटू आपके पास 6। अब करके देख लो रे कितना आएगा कि सर ये आपके पास, इसको लिख देता हूँ मैं, 3 × 7 × 8 × 7 × 6, इसका मतलब एक तो आया आपके पास क्या 7 बाहर आया, एक आपके पास 2 बाहर आया, एक 6 बाहर आया, 12 को 7 से मल्टीप्लाई किया 84 आपके पास आया। तो सर इसका मतलब 84, ए की वैल्यू 13 × 14 × 15 और बटे आपके पास 4 × 84। अब तो कर लो यार, अब तो कर लो, अब तो आ जाना चाहिए, आया समझ में, मैंने पूरी कैलकुलेशन कर दी, पूरा ऑपरेशन कर दिया इसका, ठीक है, सब कुछ निकाल दिया, ठीक है। लेकिन ये वाला हिंट ध्यान रखना, अगर कोई राइट एंगल बन जाए, राइट एंगल अगर बन जाए तो ध्यान रखना कि सबसे बड़ी भुजा का आधा कर देना, सबसे बड़ी भुजा का आधा अगर आप कर देते हो तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है आपका सरकम रेडियस बन जाता है, ठीक है। चलो जी फटाफट से करता हूँ मैं, क्योंकि अब आपके पास फॉर्मूले हैं, ये क्वेश्चन मैंने करवा भी दिया है आपको। चलते हैं अपन इन सर्किल की तरफ, चलते हैं इन सर्किल की तरफ कि सर इन सर्किल क्या होता है, इन सर्किल होता है कोई भी जो ट्राइंगल आपके पास होता है इसको अंदर से
अंदर से मतलब टच करने वाला, जैसे कई बार मैं लाइनें बोल देता हूँ ना आपको कि कैसे हार जाऊं मैं इस जंग को, मेरी माँ मेरी जीत का इंतजार किए बैठी है, तो वो लाइनें आपको अंदर से टच कर जाती है, दिल से फीलिंग दे जाती है कि सर हम तो कर जाएंगे, माँ बाप के लिए तो सर बिल्कुल जान दे सकते हैं। तो वही बात है कि जो सर्किल आपके पास इसको अंदर से टच कर जाए, इस सर्किल को, इस ट्राइंगल की साइड्स को अंदर से टच कर जाए, उस सर्किल को हम क्या बोलते हैं, इन सर्किल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतर्वृत्त बोलते हैं। सर ये कैसे बनता है वो बताओ। ये बनता है भाई साहब साइड्स को अपन बाइसेक्ट करते हैं, चलो वो बात की रामायण है, कि ये जो आपके पास सर्किल जो बना है इसकी जो रेडियस होती है, इसकी जो रेडियस होती है इसको अपन नाम दे देते हैं स्मॉल आर से। ये जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या बोला मैंने कि सर ये होती है इन रेडियस, और इन रेडियस के लिए तो सर आपको फॉर्मूले याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, चलो जी, तो स्मॉल आर के बराबर पहला जो फॉर्मूला है वो है आपका डेल अपॉन एस, जो सबसे काम का है, सबसे काम का फॉर्मूला यही है आपके पास, स्मॉल आर बराबर डेल अपॉन एस होता है, स्मॉल आर बराबर आपके पास डेल अपॉन एस होता है। ये फॉर्मूला सर याद करना ही पड़ेगा, अपने को मजबूरी है कि सर डेल स्मॉल आर बराबर, वैसे हालांकि काम तो बहुत कम आता है, सबसे ज्यादा तो यही काम में आता है, चार फॉर्मूले इसके, ये फॉर्मूला स्मॉल आर बराबर डेल अपॉन एस, दूसरा फॉर्मूला ये है एस माइनस ए टेन ए बाई टू, मतलब ए के सामने वाली साइड को इसमें से माइनस कर दो, बी आया तो बी को माइनस कर दो, सी आया तो सी को माइनस कर दो। ये होते हैं सर स्मॉल आर के दो फॉर्मूले हो गए। ठीक है, हाँ बेटा डाल दूंगा, मैं डाल दूंगा, एक बार ये समझ ले तू, दो फॉर्मूले हो गए। तीसरा फॉर्मूला आपके पास ये है ए साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू, जो यहाँ पर साइड आ गई उसका कोसाइन का हाफ एंगल वो नीचे आएगा। ठीक है, आर बराबर, वैसे याद मत करना आप तो, इनकी जरूरत ही आपको नहीं पड़ेगी, बस ये वाला जरूर याद कर लेना, ये वाला जरूर याद कर लेना, आर बराबर फोर साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू। तो आपको जो फॉर्मूले याद करने हैं आर के, दो फॉर्मूले याद करने, एक तो R बराबर आपका कौन सा कि सर डेल अपॉन S, ये डेल वही है बेटा क्या कि एरिया, सर ये क्या है, ये है आपके पास आधा परिमाप a प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। ठीक है, और ये जो कैपिटल R है वो क्या है आपके पास, कैपिटल R जो होता है वो होता है सरकम रेडियस होती है। ठीक है, तो दो फॉर्मूले याद करोगे, एक तो ये वाला, एक वो डेल अपॉन S वाला। ठीक है, चलो जी एक क्वेश्चन करवा देता हूं आपको। लो जी स्मॉल R का आपके पास ये फॉर्मूला आ गया कि स्मॉल आर बराबर क्या होगा, फटाफट से कमेंट करिए बेटा। आर के बराबर सर अभी अभी हमने ये देखा, आर बराबर होता है डेल अपोन एस होता है, आर बराबर क्या डेल अपोन एस। सर डेल बराबर कि सर डेल तो होता है एरिया, जो होता है मिथुन वाला एरिया, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये होता है सर आपके पास मिथुन का फॉर्मूला। ठीक है, चलो जी करो कैलकुलेट फटाफट से, इन दोनों को ऐड करो, अगली क्लास आने वाली है, इंग्लिश की क्लास आने वाली है, मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम है। ठीक है, हाँ बेटा बिल्कुल मिल जाएगा यार, आपकी हर हम ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, आप आरएस अग्रवाल का सॉल्यूशन मिल जाएगा, पर कमेंट ना करो, मुझे पता है मुझे करवाना है सॉल्यूशन, मेरी जिम्मेदारी है, आप टेंशन ना लो। ठीक है, चलो जी, हाँ अरे बताओ 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 फटाफट से, इसके बाद में शायद क्वेश्चन कंप्लीट है, ये लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट से बताना, फटाफट से बताओ भाई क्या आएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा। अच्छा अच्छा बेक कवर कर रहे हो, चलो चलो कोई बात नहीं, बिल्कुल करवा देंगे। अरे भाई साहब रुको थोड़े दिन यार, मतलब थोड़ा सा सिलेबस में कवर अप करूं उसके बाद में, ऐसे मान लो अब यार मैंने आपको बोल दिया जान जाए पर वचन नहीं जाए जान जाए पर वचन नहीं जाए, आर एस अग्रवाल सोल्व करवा दूंगा, विश्वास तो करो यार, अब विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हारे को लिख के तो दे नहीं सकता। आ जाना मेरे पास, एक 500 रुपए का स्टाम्प लाना, मैं लिख के दे दूंगा कि मुकेश सर आर एस अग्रवाल सोल्व करवाएंगे। विश्वास नहीं है यार बच्चों को, क्या किया जाए, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है क्या ये? अच्छा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, अच्छा ये हुआ 324 प्लस 576, बिल्कुल बन रहा है भाई साहब राइट एंगल, है ना। तो स्मॉल आर की वैल्यू निकालनी थी आपको, स्मॉल आर निकाल लो बेटा, वो कैपिटल आर के लिए बताया था मैंने, अगर मैं इसमें कैपिटल आर पूछता ना, कैपिटल आर पूछता तब आप कितना बताते कि सर वो 15 होता, कैपिटल आर 15 होता, स्मॉल आर जो है उसकी वैल्यू, समझ गए क्या बात को। चलो जी ये बातें आपके पास हो चुकी है, वैल्यू आपने निकाल ली होगी इसकी। एक चीज मैं आपको और बता दूं, लेकिन पढ़ने की चीज नहीं है वो, है ना, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वहां तक आपका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि सर अगर ये ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल इसके साइड्स को, इसके पैरों को, इसके परों को बढ़ा दिया जाए,
कि सर इसके पैरों को बढ़ा दिया मैंने इधर, इसकी साइड को इधर बढ़ा दिया, इस साइड को इधर बढ़ा दिया, इसको इधर बढ़ा दिया, इसको इधर बढ़ा दिया और इसको इधर बढ़ा दिया। ये मैंने इस ट्राइंगल था ये छोटा सा, ये ट्राइंगल के पैर बढ़ा दिए मैंने, तो इनके बढ़ाए हुए पैरों को बाहर से टच करता है ना कोई सर्किल, बाहर से कोई सर्किल टच करता है, यहाँ पे सर्किल आया और यहाँ पे सर्किल आया और यहाँ पे सर्किल अगर आपके पास आया, तीनों साइड्स को टच करना चाहिए लेकिन बाहर से, इसको बोलते हैं सर एक्स सर्किल। क्या बोलते हैं? एक्स सर्किल। अरे एक्स सर्किल, एक्स सर्किल का मतलब एक्स गर्लफ्रेंड की जैसे यही है वो, है ना? हाँ अब समझ गए होंगे भावनाओं को। एक सर्किल के जो सेंटर होते हैं, एक सर्किल के जो सेंटर होते हैं, इसका नाम दे देते हैं C1, ये होता है C2, ये होता है C3, और इस सर्किल की जो रेडियस होती है वो होती है R1, ये होती है R2 और ये क्या होती है R3। तो स्मॉल R1 R2 लिखा हुआ हो ना, इसका मतलब होता है एक्स सर्किल जो होता है ना, एक सर्किल जो बाहर बनता है सर्किल, तीनों पग पैरों को बढ़ाने के बाद में बाहर से टच करने वाला सर्किल, उसकी रेडियस होती है लेकिन आपके काम की नहीं है। ठीक है? हाँ बिल्कुल यार भाई, क्या करना है अपने को, गर्म होके क्या करना है बताओ मुझे, गर्म होके क्या करना है? मस्त रहो बस, अच्छे तरीके से जीते रहो। अच्छा अब हो गया स्कैन। हाँ चलो जी, अब अपनी जो प्रैक्टिस क्लास आएगी टेलीग्राम पे, मैं उसका नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है चलो जी, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। मेरे जस्ट बाद में संजय सर की क्लास आने वाली है धमाकेदार अंदाज में। क्या होगा ना टॉपिक? एडवर्ब, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आज द एंड हो जाएगा, बुलाने की जरूरत नहीं पड़े, ध्यान रखना इनविटेशन नहीं भेजूंगा मैं। सारे के सारे बच्चे क्लास में आ जाएं, आपका प्यार एंड सपोर्ट मुझे क्लास में दिख जाना चाहिए जो हमेशा दिखता है, ठीक है, ताकि संडे के दिन में कमेंट ही पढ़ता रहूं आप लोगों के लिए। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।